नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग तथा अन्य सभी विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी आदेश जारी हो चुका है। साथियों, यह आदेश एक लंबे समय से कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, 16 सितंबर को यह आदेश जनरेट हुआ है। सभी अधिकारी कर्मचारियों के अब बंपर ट्रांसफर होंगे मध्य प्रदेश में। जानेंगे हम इसे डिटेल में। आप इसी प्रकार से कर्मचारी तथा अधिकारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस आदेश को रीड करते हैं। साथियों, आज 16 सितंबर 2022 को जैसे कि सभी कर्मचारी अधिकारी इसका इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर पॉलिसी का, और मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा यह आदेश जनरेट हुआ है, जिसकी प्रति है शासन के समस्त विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। वही दिशा में दिया है राज्य जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। वही संदर्भित पत्र है इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक F61/2021-24 जून 2021 के संदर्भ में है। और वहीं कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। वर्तमान में स्थानांतरण करने का प्रतिबंध लागू है, स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है। वहीं राज्य शासन एतद् द्वारा 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबंध को शिथिल करता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण करेंगे। वही संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून 2021 के द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 7 में दिनांक 1/4/2022 से 30/6/2021 के स्थान पर दिनांक 1/9/2021 से 16/9/2022 एवं कंडिका 41 में दिनांक 31 जुलाई 2021 के स्थान पर दिनांक 5 अक्टूबर पढ़ा जाएगा। तो साथियों, शेष व्यवस्था संदर्भित ज्ञापन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार यथावत रहेंगी। मध्य प्रदेश शासन राज्यपाल के नाम से यह आदेश है। वही अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार जी द्वारा यह आदेश जनरेट किया गया। तो साथियों, जहां लंबे समय से विभिन्न विभाग वाले यह इंतजार कर रहे थे कर्मचारी अधिकारी कि ट्रांसफर पॉलिसी आदेश कब जारी होने वाला है, तो साथियों अब कल से यानी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच बंपर ट्रांसफर होने वाले हैं। और इसमें देखेंगे और आगे ये इससे संबंधित जहां लंबे समय से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग इसका इंतजार कर रहा था, और शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो एक बनाई गई है वो आगे लागू होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रांसफर चाहते हैं जो शिक्षक साथी और कर्मचारी, तो उनके विभाग द्वारा यह ट्रांसफर पॉलिसी विभाग वाले जारी करेंगे। तो साथियों, उस पर भी हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप इसी प्रकार से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।